जय जिनेंद्र, आज हम रोटी पकोड़ा चाट बनाएंगे। यह चाट बहुत ही आसानी से बन जाती है। यह चाट आटे से बनती है, इसलिए बहुत ही हेल्दी होती है। चलिए बनाते हैं रोटी पकोड़ा चाट। रोटी पकोड़ा चाट बनाने के लिए पहले हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े के लिए मोटा दरदरा बेसन लगेगा। अगर अपने पास मोटा दरदरा बेसन नहीं है तो आप इसके अंदर 2 चम्मच सूजी मिला लीजिए। रोटी के पीसेस ये आप मनचाही शेप के दे सकते हैं। यहाँ मैं ट्रेंगल ले रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची और तलने के लिए तेल की आवश्यकता लगेगी। बेसन के अंदर मिर्ची, नमक और पानी डालकर एक पतला बैटर तैयार कर लेंगे। इस तरह का पतला बैटर तैयार कर लेंगे। गैस ऑन कर तेल गरम होने के लिए रख देंगे। तेल गरम हो जाए तो रोटी के पीसेस को बेसन के अंदर डीप कर तेल में डीप फ्राई कर लेंगे। गोल्डन होने तक तलेंगे इनको। पकोड़े गोल्डन हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह सभी को तल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े कितने करारे बने हैं। अब इनकी चाट बनाएंगे। चाट बनाने के लिए इमली की चटनी, मीठा दही, भुना हुआ जीरा, नमक, मिर्ची और धनिया। मैं सिर्फ धनिया डाल रही हूँ, आप प्याज सेव डाल सकते हैं।